हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रीवियस वीडियो में 1 to 9 कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हमें राइट ट्राइंगल दे रखा है और राइट ट्राइंगल जो राइट एंगल है वो किस पर है, क्यू पर है। पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 के इक्वल और पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें इसकी हेल्प से साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे इसको। तो क्या दे रखा है हमें, राइट ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइट ट्राइंगल, और किस पर है राइट ट्राइंगल, क्यू पॉइंट पर। तो आ गया क्यू रहेगा पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू दे रखा है इन्होंने हमें 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू क्या है, गिवन है, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। और पी आर प्लस क्यू आर ये भी गिवन है, किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट पी आर, पी आर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जब हमने पी आर को यहाँ पे एक्स मान लिया है तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के, यानी कि क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 माइनस एक्स के। तो क्यू आर आ गया किसके इक्वल, 25 माइनस एक्स, और पी आर को हमने मान लिया था एक्स। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी आर है एक्स स्क्वायर, पी क्यू है 5 का स्क्वायर, और क्यू आर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर 25 प्लस ये आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर माइनस 50 एक्स आ जाएगा। जब ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलोगे आप फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा करने के बाद, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस 50 इधर जाएगा तो प्लस का 50 एक्स हो जाएगा, और आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 650, ठीक है। तो ये 50 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, एक्स की वैल्यू आ गई है 3। तो देयरफॉर पी आर किसके इक्वल आ गया है, 13 के। तो क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 माइनस 13 यानी कि 12। और पी क्यू तो हमें गिवन था कितना था, वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आ गया सेंटीमीटर में। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी, ठीक है। तो मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ साइन पी, ठीक है। साइन पी कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर हमारा कितना आया है, 12, और पी आया है 13। तो साइन पी क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 13। ऐसे हमें निकालना है क्या, कॉस पी। तो कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है 5, और पी आर कितना है 13। अब हमें फाइंड करना है टेन पी। टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है 12, और पी क्यू कितना है 5। तो ये निकल गया हमारे तीनों पार्ट, ये फाइंड करने दे हमें, ठीक है। आप इसको नीचे कर सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए इसलिए यहाँ पे साइड में किया, आप इसको यहीं पे करोगे नीचे सॉल्व, ठीक है। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।